छात्रों नमस्कार। क्लास इलेवेंथ पॉलिटिकल साइंस चैप्टर टू द फंडामेंटल राइट्स। छात्रों, इससे पहले वीडियो में हमने आर्टिकल 25 तक चर्चा की थी। इसी को आगे बढ़ाते हुए अब हम आर्टिकल 26 पर चर्चा करेंगे। आर्टिकल 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। प्रत्येक भारतीय को अपने धर्म के कार्य को करने की और उसके प्रबंध करने की स्वतंत्रता है। वह उसका प्रबंध कर सकता है। आर्टिकल 27 धार्मिक कर अर्थात टैक्स से मुक्ति, शुल्क से मुक्ति नहीं। छात्रों, यदि कोई भारतीय अपने धर्म के अनुसार किसी को कोई दान करता है या धर्म में पैसा लगाता है, तो जैसा हमारा प्रावधान है 80G, उससे टैक्स में छूट मिलती है। परंतु यदि कोई सरकार ने शुल्क लगाया है तो वो फीस देनी पड़ती है, शुल्क देना होता है। इसलिए धार्मिक कार्यों में जो भी पैसा लगता है उसकी उसको टैक्स के उस अमाउंट में से काट दिया जाता है। आर्टिकल 28 प्रत्येक भारतीय को धार्मिक प्रार्थना में सम्मिलित होने का अधिकार है। वह अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धार्मिक प्रार्थना में सम्मिलित हो सकता है। इस बात का कोई दबाव नहीं है कि आपको इस प्रार्थना या इस धार्मिक सभा में जाना अनिवार्य है। हमारा संविधान हमारे धर्म के अनुसार इसमें छूट प्रदान करता है। इसलिए इसको धर्मनिरपेक्ष देश कहते हैं। छात्रों, हमारा फिफ्थ मौलिक अधिकार राइट टू एजुकेशन एंड कल्चर अर्थात शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है। इस अधिकार में आर्टिकल 29 और 30 के अंतर्गत कुछ प्रावधान दिए हुए हैं, जिनके अंतर्गत शिक्षा और संस्कृति का अधिकार प्राप्त हुआ है। परंतु यह अधिकार केवल अल्पसंख्यकों को ही अर्थात माइनॉरिटीज के लोगों के लिए ही सुरक्षित है। और यह इसलिए बना क्योंकि अल्पसंख्यकों के मन में एक डर रहता है कि हम तो बहुत कम संख्या में हैं। इसलिए संविधान में इसकी चर्चा और कहीं नहीं है, परंतु मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 29 और 23 में इसकी विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। आर्टिकल 29 अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, संस्कृति और लिपि को सुरक्षित करने का अधिकार इस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है। इसके अनुसार अल्पसंख्यक अपनी भाषा, संस्कृति और लिपि को सुधारने के लिए अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकती है। आर्टिकल 30 इस आर्टिकल के अनुसार अल्पसंख्यक अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकती है, परंतु हमारे संविधान में उसमें एक चीज जोड़ दी गई है कि यदि इन संस्थानों को चलाने के लिए आप सरकारी अनुदान प्रदान करेंगे
तो आपको समाज के अन्य वर्गों के आरक्षण के अनुसार ही अपने इस संस्थान में अन्य छात्रों को प्रवेश देना होगा। हाँ, यदि आपने इसमें किसी को भी किसी प्रकार का सरकार का अनुदान प्राप्त नहीं किया है तो फिर आप अपने इच्छा के अनुसार इसमें प्रवेश दे सकते हैं। आर्टिकल 31, छात्रों इसकी पहले भी चर्चा हुई है क्योंकि पहले हमारे 7 फंडामेंटल राइट्स थे और आजकल हम चर्चा करते हैं 6 की। 1978 के 44 अमेंडमेंट में इस अधिकार को कानून बना दिया गया है और अभी है 301 के अनुसार कानूनी अधिकार हो गया है। मौलिक अधिकार 6, हमारा 6ठा मौलिक अधिकार राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। छात्रों ऊपर वर्णित 5 मौलिक अधिकारों को यदि कोई व्यक्ति मानता नहीं है या सरकार नहीं मानती है तो उसके विरुद्ध हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की जा सकती है। इन सभी को सुरक्षित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 5 बिंदु दिए हैं। क्रमांक 1, हैबीज कार्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसके अनुसार जब किसी मुजरिम को पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है तो उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होता है। यदि वह ऐसा नहीं करता तो वह मुजरिम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाकर उसकी शिकायत कर सकता है। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को इस नियम के उल्लंघन करने पर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट यदि किसी ने इस नियम का उल्लंघन किया है और 24 घंटे से अधिक किसी मुजरिम को रखा है तो वह उस मुजरिम को छोड़ सकती है। क्रमांक 2, मैंडेमस अर्थात परमादेश। इस नियम के अनुसार न्यायालय किसी सरकारी अधिकारी को सचेत करता है कि आप अपने पद के कर्तव्य के अनुसार ठीक प्रकार से काम नहीं कर रहे हैं। यदि आपने अपने पद के अनुसार ठीक प्रकार से कार्य नहीं किया तो न्यायालय आपके विरुद्ध कार्रवाई कर देगा। क्रमांक 3, प्रोहिबिशन, निषेध। ऊपरी न्यायालय निचले न्यायालय को आदेश देता है कि अगले आदेश तक इस मुकदमे की कार्यवाही को स्थगित कर दे। छात्रों आपने सुना होगा कि कोर्ट से स्टे ले लिया गया है। यह स्टे इसी प्रक्रिया का एक भाग है। क्योंकि यदि निचली अदालत ठीक प्रकार से कार्य नहीं करती या कहीं कोई उसको दोषारोपण दिखाई देता है तो वह व्यक्ति न्यायालय में जाकर उच्च न्यायालय में जाकर इसके दरखास्त दे सकता है, रिट दायर कर सकता है और उच्च न्यायालय उस केस को ठीक प्रकार से पढ़ करके
निचले न्यायालय को यह आदेश दे देता है कि आप अभी इस पर कोई भी फैसला नहीं ले सकते, अगले आदेश तक आप इसको रोक दीजिए। छात्रों, हम आगे की चर्चा इससे अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।